बड़ा हेस्ट है, जल्दी है, तेजी है, लेकिन आज की जो सवाल थी वहां पर यह बताया गया कि इमरान खान वहां पे जब ये केस का फैसला सुनाया गया तो इमरान खान नॉर्मल थे, हंस रहे थे, ऐसे कभी भी कहते, बहुत सारी जब सवालें होती थी तो इमरान खान बुकरा को जजेस को ये कहते थे वहां पर अदालत में कि पता है मुझे आपने सलाह देनी है लेकिन ये चीजें हैं और ये चीजें हैं। तो हुआ ये कि इमरान खान ने वहां से 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई और ये खबर भी है कि 342 की जो स्टेटमेंट थी वो शाहनवाज कुरैशी के अकॉर्डिंग हुई सिरे से, तो उसके बगैर ही जो है वो फैसला सुना दिया गया। तो उस फैसले की जो है वो बहुत सारा लूप होल्स है, लकूनाज है, प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, और जो मुझे बताया वो अदालत के सामने फेवरेट चाइल्ड होता है, इनोसेंट होता है अदालत की नजर में, तो उनको फेयर ट्रायल अगर आप नहीं देंगे तो उस ट्रायल पर सवाल उठेंगे और यहाँ पे भी उसी ट्रायल पर जो है वो सवाल जो है वो उठ रहे हैं। और इसी वजह से अब ये केस तो फैसला तो हो गया है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली ये इमरान खान को फायदा देगा, ये सारा बैकग्राउंड है, उनको एक से डेढ़ माह ज्यादा से ज्यादा 2 माह में जमानत मिल जाएगी, इमरान खान इस केस में जमानत पर रिहा हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस केस का प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, इसके मेरिट पर जाने की बजाय प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, इसी बुनियाद पर यह केस जो है उसमें जमानत हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी इररेगुलरिटी इस केस में जो है वो मौजूद है। अब देखेंगे कि आपके इसमें कितने अरसे में जो है मामला आगे चलता है, लेकिन एक चीज तय है, जिस दिन भी इस केस की अपील जो है डिसाइड होगी उस दिन ये केस जो ट्रायल है कलदम करार दिया जाएगा, ये रिमांड बैक होगा या दोबारा होगा या इमरान खान की बरियत होगी, ये सारी चीजें हाई कोर्ट जो है डिटरमिन करेगी, लेकिन एक चीज तय है कि ये सेट डिसाइड होगा फैसला, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का आज का फैसला किसी सूरत भी लॉ की नजर में कायम रहने वाला नहीं है। ये है पोजीशन है, और इमरान खान की जमानत भी अगले एक से डेढ़ माह ज्यादा से ज्यादा 2 माह में जमानत हो जाएगी।